एक और शक्ल जो मजाक की आम तौर पे बनती है कि दूसरों को लकब से पुकारना, जैसे आम जबान में कहते हैं आड़े नाम से पुकारना, यानी कोई कद में छोटा है तो उसको उसका नाम दें, कोई लंबा है तो उसको उसका नाम दें, कोई मोटा है तो उसको उसकी सिफत से पुकारें, या किसी के बदन में कोई ऐब या कोई थोड़ा सा हटी हुई चीज हो तो उसको उसका नाम दे करके पुकारें। याद रखें कुल्लु खल्किल्लाह हसन, अल्लाह ने जिसको जैसे पैदा किया सबसे बेहतर पैदा किया है, जिसको जो आवाज दी बेहतर आवाज है, जिसको जो बदन दिया वो बेहतर बदन है, जिसको जो बदन मिला वो उसके हक में सबसे बेहतर है। अब किसी को हक नहीं पहुंचता कि किसी और का मजाक उस खिलकत पर बनाए जो अल्लाह ने उसकी बनाई हो। इंसान अपने आप को अपने हाथ से नहीं बनाता, इंसान अपने आप को अपने हाथ से नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह ताला की खिलकत है, अल्लाह ताला की ये बनावट है। अल्लाह ताला की बनावट पर नाम नहीं रखे जाते, अल्लाह ताला की बनावट पर नाम नहीं रखे जाते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे एक मर्तबा माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से कुछ मसला ऐसे हो गया, जबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए, हस्बुकी मिन सफ़ियत कज़ा व कज़ा, क्या आप क्या सफिया का जिक्र कर रहे हैं, वो तो ऐसी है। माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने इशारा कदा व कदा से उसके कद की तरफ किया कि उसका कद छोटा है, वो छोटे कद वाली है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा बुरा लगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि लकद कुलती कलिमतन लौ मुज़िजत बिहा माउल बहरी, कहते हैं कि तुमने एक ऐसा कलिमा कहा, ऐसी बात कही है कि अगर समंदर के पानी में उसको मिला दिया जाए तो पूरा पानी गदला हो जाए, पूरा पानी गंदा हो जाए। हां हकीकत में वो छोटी रही होंगी, कद छोटा रहा होगा, लेकिन मजाक के अंदाज में, ऐब के अंदाज में, लकब के अंदाज में ये शरान किसी सूरत जायज नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ हमारे अपने मुआशरे में, हमारे अपने मुआशरे में, हमारे अपने खानदानों में, हमारी अपनी बैठकों में बड़े अफसोस के साथ हर एक का कोई ना कोई लकब पाया जाता है, हर एक का कोई ना कोई आड़ा नाम पाया जाता है। ये शरीयत इजाजत नहीं देती इस बात की। ये वो बुराइयां हैं जो अंदर से मुआशरे को खोखला करते जाती हैं, अंदर से मुआशरे को खाते जाती हैं।